Hey guys, welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita, aka the Standard Medical, and NEET ka result aa gaya hai. So NEET 2023 ka result aa chuka hai. Exam jo tha NEET ka, wo hua tha 7th May 2023 ko, and is saal 20 lाख से भी ज्यादा लोगों ने एनरोल किया था फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो आप अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया है एट neet.nta.nic.in पे, या फिर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं nta.ac.in पे, या फिर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं ntaresults.nic.in पे. तीनों लिंक्स जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हैं, जाके चेकआउट कर लीजिए. आप डीजी लॉकर के थ्रू भी अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. सो आप डीजी लॉकर पे आ चुके हैं. डीजी लॉकर पे सर्च आपको करना है नीट. नीट सर्च करने के बाद आपको दिखेगा ऑप्शन नीट मार्कशीट का, जहाँ पे आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर वगैरह भरना है, एंड आपका मार्कशीट जो है वो आ जाएगा आपके सामने. एक और साइट जो हम देख सकते हैं वो है cnr.nic.in. यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, सिक्योरिटी पिन जो दिया हुआ है वो कॉपी करिए और सबमिट करिए, और यहाँ से भी आपका रिजल्ट खुल जाएगा. कट ऑफ की बात करते हैं. कट ऑफ आया है अनरिजर्व्ड EWS के लिए 720 मार्क्स से लेके 137 मार्क्स तक, दैट इज द 50th परसेंटाइल. फॉर OBC SC ST क्वालिफाइंग परसेंटाइल है 40th परसेंटाइल. अब बात करते हैं टॉपर्स की. इस साल के टॉपर्स, दो लोगों ने परफेक्ट स्कोर किया है, दैट इज 720 आउट ऑफ 720. फर्स्ट इज प्रभंजन जे फ्रॉम तमिलनाडु, एंड जो सेकेंड रैंकिंग है वो है बोरा वरुण चक्रवर्ती. दोनों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है. सो अब क्योंकि रिजल्ट्स आ गए हैं, इस एक कुछ ही वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग एज वेल एज स्टेट काउंसलिंग सब रिस्पेक्टिव स्टेट्स के. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, एंड जो इस साल बहुत एक्साइटेड हैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, एंड जिनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं हो पाया है. सो आई होप यू टेक दिस टाइम टू एब्जॉर्ब, एंड आई होप यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू इन फ्यूचर. Either way, let me know in the comment section down below ki kya score kiya hai aapne. I will see you in the next video. Till then, bye-bye.